स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर, साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा या प्रमोशन को लेकर क्या खबर है। तो बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में 12वीं की परीक्षा का पैटर्न भी अभी तक तय नहीं है, 10वीं की परीक्षा होगी या नहीं ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। तो पूरी खबर में इस प्रकार है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की घोषणा अभी तक नहीं की है। परीक्षा को लेकर 20 लाख से ज़्यादा छात्र और उनके परिवार असमंजस और तनाव की स्थिति में है। अन्य राज्यों में परीक्षा को लेकर निर्णय हो चुके हैं। 10वीं के प्रमोटी बच्चे 11वीं में पढ़ने लगे हैं। 12वीं परीक्षा का पैटर्न तय होने से बच्चे वैसे ही तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन राजस्थान में 10वीं बोर्ड की परीक्षा अभी होगी या नहीं ये कन्फर्म नहीं है। 12वीं परीक्षा किस पैटर्न पर होगी इसका भी अभी स्पष्ट जो है जवाब नहीं है, जवाब अस्पष्ट ही है। लॉकडाउन के बाद परीक्षा पर विचार करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान दोनों परीक्षा कराने के पक्ष में है, लेकिन कुछ तय नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन की स्थितियां सामान्य होने पर 8 जून के बाद मीटिंग करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि परीक्षा कब लेंगे। तो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जून में, यहाँ कह सकते हैं लॉकडाउन जब समाप्त होगा 8 जून, उसके बाद निर्णय आएगा कि परीक्षा कब ली जाएगी। राजस्थान बोर्ड के 10वीं के लगभग 12.14 लाख और 12वीं के 8.82 लाख विद्यार्थी हैं जो अपने शिक्षा मंत्री से सवाल है उनका कि क्या वो समाधान करने वाले हैं या कृपया स्पष्ट समाधान करके हमें जवाब दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी तनाव में है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा उसके प्रमोशन तय करने के लिए खबर है कि कमेटी बनाई गई है और 15 दिन में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी इस कमेटी द्वारा, आपको दिखा देते हैं। पूरी खबर इस प्रकार रहेगी जिसमें परीक्षाओं को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। प्रदेश के महाविद्यालय विश्वविद्यालय की परीक्षा की जाए या प्रमोशन किया जाए इसका फॉर्मूला तय करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री जो भंवर सिंह भाटी हैं उनके निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेगी। इसके आधार पर कोविड काल में इस वर्ष की परीक्षाओं के सिस्टम व फॉर्मूला तय होगा। वर्तमान में पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुड़े स्टूडेंट में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति है। कमेटी की पहली बैठक शनिवार को होगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 साल से विश्वविद्यालय व कॉलेजों की नियमित फिजिकल क्लासें नहीं हो पाई है, ऑनलाइन क्लासेज ही हुई है। करीब 2 माह पूर्व राज्य की कुलपति कोऑर्डिनेट कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पेपर पैटर्न में भी बदलाव किया गया। परीक्षा का समय भी 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे व कोर्स को 60% कर दिया गया है। इसके बाद फिर संक्रमण फैला और लॉकडाउन की स्थितियां बन गई है। कॉलेज विश्वविद्यालय फिर से बंद कर दिए गए, ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा ग्रुप 4 की ओर से एक आदेश जारी कर कमेटी का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें प्रदेश के 3 अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के अलावा कॉलेज शिक्षा आयुक्त और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव जो है वो सदस्य है। राज्य में संक्रमण के हालात को देखते हुए परीक्षाएं कराना अभी काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। तो ये कमेटी जो है अब तय करेगी, 15 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और उसके पश्चात ही कॉलेज स्टूडेंट का जो भी फॉर्मूला है या जो भी डिटेल है प्रमोशन किया जाए या नहीं वो तय होगा। ये तमाम तरह की खबरें थी आप सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू।